फोन क्यों नहीं लग रहा इसका? एक्सक्यूज मी। हाँ यहाँ मिस्टर सिंह के नाम से पेशेंट है, वो कहाँ है? नहीं ये नाम से तो यहाँ कोई पेशेंट नहीं है। आप चेक करिए, वो है वो। आप डॉक्टर सिंघानिया को बुलाइए, उन्हें पता है। एक सेकेंड। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हाँ यहाँ मिस्टर सिंह करके एक पेशेंट थे, उनका ऑपरेशन होना था। वो कहाँ पे हैं? मिस्टर सिंह जी ऑपरेशन जी। मिस्टर सिंह को एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, उनको एसिडिटी थी। हाँ उनको मैंने एक दिन के लिए एडमिट किया था, उनको डिस्चार्ज भी कर चुका हूँ। पर मुझे डॉक्टर सिंघानिया ने कहा था उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनका ऑपरेशन करना होगा, उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर सिंघानिया? जी हाँ। इस नाम के यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ आर यू श्योर? यस सर। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं कल ही उनको मिला हूँ इसी हॉस्पिटल में। मुझे कोई गलतफहमी नहीं, आप एक बार चेक कर लो। बात कहूँ? बड़ी खूबसूरत है तू। ये बाल कहाँ से कलर कराए? कहीं से भी कराए हो, तुम्हें क्या? मेरे भी करा देना, ऐसे ब्राउन ब्राउन पिंक कलर के कराने मुझे। पिंक इज माय फेवरेट। शादी के बाद हो जाएगी यार शादी? कितने दिन बाकी हैं? सिर्फ 4 ही दिन तो बाकी हैं। हाँ तो हुई तो नहीं है ना? 4 ही तो दिन बाकी हैं, हो जाएगी। तो क्या 4 दिन का इंतजार नहीं कर सकते हो? तुम्हारे लिए ना मैं 4 जन्म भी इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन मैं 4 जन्म का इंतजार नहीं कर सकती। इतनी मुश्किल से मैंने उसको पाया जिससे मैं प्यार करती हूँ। ये 4 दिन तो मेरे लिए 4 सदी से हैं। इतना प्यार करती हो मुझसे? पता नहीं, प्यार का तो पता नहीं कितना करती हूँ, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि तुम जब मेरे साथ होते हो तो बस वक्त थम सा जाता है। मौसम बदलता ही नहीं, हवा चलती ही नहीं, ना सांस आती है ना जाती है, कुछ नहीं होता, बस तुम होते हो। अरे वाह सच्ची? हाँ सच्ची। क्या सोच रहे हो सागर? कुछ खास नहीं, बस ये कि कितना लकी हूं ना मैं कि मैंने उससे प्यार किया जो मुझसे भी उतना ही प्यार करता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। आज के जमाने में नहीं, हर जमाने में मिलते हैं, अगर तुम भी उतना ही प्यार करो जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो वैसे ही। बात तो तुमने सही कही यार, कितना इजीली हो गया ना सब कुछ। लोगों की मोहब्बत इतनी आसान नहीं होती। मैं तुमसे मिला, तुम मुझसे मिली, मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने मुझसे प्यार किया, हमारे पेरेंट्स फैमिली इतनी जल्दी सब कुछ एक्सेप्ट की। अभी 2 महीने पहले तक हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे है ना, और अभी तो 4 दिन बाद हमारी शादी है। अब तो बस शादी हो जाए और उसके बाद सीधा बच्चे, बच्चों के नाम होंगे। कुछ भी बोल रहे हो, अभी तो शादी भी नहीं हुई है और तुम बच्चे बाप। हाँ तो हो जाएगी, क्या हुआ? अरे बाप रे, क्या हुआ? तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मेरे पापा मुझे गोली मार देंगे। टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है? मुझे अभी घर जाना होगा। अरे नहीं नहीं कहीं नहीं जाना यार, तुम किसी गैर के साथ थोड़ी ना हो, अपने होने वाले पति के साथ हो, बैठो ना। अरे यही तो प्रॉब्लम है, 4 दिन बाद शादी है और बोलेंगे कि लड़कियां से घूम रही है, और तुम्हें नहीं पता शादी में कितने काम होते हैं। yeah, तुम please. नहीं समझोगे सागर, आई नीड टू गो। नहीं प्लीज, बाय, टेक केयर, कॉल करती हूँ। हेलो Thank you.
यार ये लड़की फोन क्यों उठा रही मेरा? जुई 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 फोन उठा यार, बात नहीं हुई तुझसे सुबह से। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता ना कोई फोन। हेलो, अरे कहाँ हो तुम यार? मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, ना कोई रिप्लाई ना मैसेज ना कुछ। क्या हुआ? तुम ख्याल रखो उनका, मैं आता हूँ अभी। हाँ वहीं रहना। अरे पर बताओ तो हुआ क्या? सागर, पापा को ब्लड क्लॉट हुआ है और डॉक्टर ने बोला है कि इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा। हाँ तो करवाओ, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? सागर तुम समझ नहीं रहे हो, डॉक्टर ने बोला है कि 20 लाख का खर्चा है और हमने ऑलरेडी शादी के लिए एडवांस दे दिया है और बाकी के सब बैंक में है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पापा के साइन के बिना तो पैसे भी नहीं निकाल सकते। मैं हूँ ना, 20 लाख चाहिए, मैं देता हूँ, क्या हुआ? लेकिन सागर तुम इस वक्त ना, तुम ना मैं, सबसे ज्यादा जरूरी है पापा, और वैसे भी 4 दिन बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। पर सागर हमारी शादी नहीं हुई है। तो हो जाएगी, हो जाएगी, जैसे तुम्हारे पापा वैसे मेरे पापा। तुम रुको, मैं 1 घंटे में पैसे लेके आता हूँ, तुम इनका ख्याल रखो, आराम से आता हूँ मैं। तो पैसे देने के बाद जब तुम वहाँ वापस गए तो वहाँ ना कोई डॉक्टर था ना कोई पेशेंट? जी। अच्छा, और फिर उसके बाद तुम उस लड़की के घर पे गए जहाँ वो रहती थी? मैं गया पर वो अपना घर छोड़ चुकी थी, वो रेंट पे रहते थे जब मैं वहाँ का कोई नहीं था। और कोई फोन? जी फोन तो बंद है उसका कल से ही। अच्छा, और कोई जानकारी, क्या कोई उसकी कोई दोस्त या फिर जहाँ पे वो काम करती थी उसका अता पता? नहीं सर, वो कहीं काम नहीं करती थी, सिर्फ घर रहती थी, कोई दोस्त नहीं था उसका, सिर्फ एक मेरे साथ उसकी बात हुई थी फेसबुक पे आज से 2 महीने पहले, और इसके अलावा वो किसी से कुछ बात नहीं करती थी। क्या लगता है भला? साहब जी वही केस है, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। छोरी इसको शादी के केस में लूट कर चली गई। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं ये? वो मेरी जुई है सर, ये नहीं कर सकती। आप कुछ तो सोच समझ के बोलिए, हो सकता है वो किसी मुसीबत में कहीं फंसी हो तो। मुसीबत में? तू हरदीप सिंह को जानता है? नहीं। तो फिर सुन उसकी कहानी। हरदीप सिंह ने एक दिन मैट्रिमोनियल साइट पर एक आईडी बनाई, उसको चाहिए थी एक लड़की जो कि उससे शादी कर सके, समझा? और फिर एक दिन हुआ उसका मैच उसी साइट पर जैसी उसको लड़की चाहिए थी। आपके घर वाले नहीं आए? जी बात ऐसी है ना कि जी इनके पिताजी को गुजरे 15 साल हो गए और माताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं भी मामा हूँ भाई, डबल माँ, माँ और माँ मामा, इसलिए रिश्ते की बात मैं ही करने आ गया। तो बेटा हरदीप, बिजनेस कैसा चल रहा है तुम्हारा? बिजनेस क्या, मेरी छोटी सी मिठाई की दुकान है। अरे भाई क्या बात कर दी, मिठाई की दुकान लगाना कोई छोटी बात थोड़ी नहीं है जी, ये तो सबसे अच्छा धंधा है जी, और मैं तो कहता हूँ पुण्य का काम है जी, लोगों की खुशियों में आप लोग काम आते हैं। आप एक बात बताइए, बिना मिठाई के भी कोई जीवन है? हाँ आप लोग बताइए, बेस्वाद जीवन है जी। सही कह रहे हैं आप, हमारी तरफ से तो हाँ है जी, लड़का हमें पसंद है, लेकिन फिर भी लड़का लड़की को मिलना जरूरी है, उनकी पसंद नापसंद वो भी जानना जरूरी है ना, आखिरकार तो जिंदगी इन्हीं को बितानी है साथ। हाँ तो हम लोग एक काम करते हैं कि लड़का लड़की को बाहर बात करने के लिए भेज देते हैं, हम लोग बातचीत कर लेते हैं। हाँ बेटा जाओ जाओ। हेलो। हेलो जी, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा एक बात पूछूँ आपसे? जी पूछिए। आपकी हॉबीज क्या हैं?
मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है। वाओ, गाने सुनना मुझे भी बहुत पसंद है। और आप शादी के बाद भी मुझे गाना सुनाएंगी? जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? शादी के बाद तो आप मेरे पति होंगे, और पति की सेवा करना तो पत्नी का धर्म होता है। कितनी अच्छी सोच है आपकी, मुझे हमेशा से ऐसी ही पत्नी चाहिए थी। वो क्या है ना कि मुझे मॉडर्न लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? पूछिए। क्या आपका बॉयफ्रेंड है? जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ शादी से पहले पराए मर्द को देखना पाप होता है, आप ऐसे कैसे? मैं समझ गया, अगर आपको बुरा लगा होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी। क्यों बेटा, कैसी लगी कोमल? पापा, लड़की तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और कोमल बेटा, तुम्हें शर्म तो औरत का गहना होती है जी, लेकिन आजकल की लड़कियां कपड़े पहनती कहाँ हैं जो शर्म करेंगी। हाँ, लेकिन एक बात है, हमारी कोमल बेटा हीरा है जी, हीरा। ये आपकी कहाँ रही, मेरे बेटे की हो गई। अरे, बात तो आपने बिल्कुल सही कही। चलिए तो फिर इसी बात में मीठा हो जाए, आइए। चलिए आइए। कोमल, एक बात कहूँ? जी कहिए। मेरा कभी भी कोई ज्यादा शौक नहीं रहा, ना बंगला ना गाड़ी, मेरा हमेशा से एक ही सपना रहा है। क्या? मेरा कोई एक जीवन साथी हो जो मेरी फीलिंग समझे, मेरी कदर करे। बड़ा डर सा लगता है आजकल की लड़कियों से, पता नहीं कौन होगी कहाँ होगी, और अगर होगी भी तो वो मुझे समझेगी या नहीं। कैसी बात कर रहे हैं, कोई आपको कैसे पसंद नहीं करेगा? आप इतने सुलझे हुए आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं। मुझे तो बस सब एक सपना जैसा लग रहा है। तुम दुल्हन बनकर मेरे घर आ रही हो, बस एक सपना। 3 दिन रुक जाओ, आपका सपना सच हो जाएगा। मेरा सपना तो उसी दिन सच हो गया था जब तुमको मैंने पहली बार देखा था। तुम्हारी नजरों से मेरी नजरें मिली, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरे सामने है। मैंने उसी दिन सोच लिया था, मैं इससे जाने नहीं दूंगा। कितने खुशनसीब हूं ना मैं, लोगों को 7 जन्मों तक सच्चा प्यार नहीं मिलता, और मुझे तो अभी से, अब तो मौत भी आ जाए। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। अब तो शादी करेंगे, साथ घूमेंगे, जिएंगे 100 साल 150 साल। बूढ़ा होके जब मैं लाठी लेके साथ चलूंगा, तब भी मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ। शादी के ठीक 2 दिन पहले हरदीप को कोमल का फोन आया कि उसके मामा धोखा दे गए हैं और शादी के लिए जोड़ी गई सारी रकम लेकर फरार हो गए हैं, जिससे कि उसकी मां को सदमा लग गया और उनको हार्ट अटैक आ गया, जिसके लिए उसको इलाज के लिए पैसे चाहिए। हरदीप ने पूरे 25 लाख रुपए दिए और उसके बाद सब छूट, सब गायब, ठीक तुम्हारी जूही की तरह। तो आप कहना चाह रहे हैं कोमल और जूही सेम है, वो एक ही लड़की है? सर, कोमल चोर हो सकती है, पर मेरी जूही ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ, आप सोच के बोलिए कुछ तो। ओ मेरे मजनू, उस हरदीप को भी ऐसा ही लगता था कि उसकी लैला ऐसा नहीं कर सकती है। साहब जी, उस लड़की में कोई तो जादू है। लूटने के बाद भी लोग उसकी माला जप रहे हैं। सर क्या बोल रही हैं? तुम एक बात बताओ सागर, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? क्यों? उसे फोटोज क्लिक कराना पसंद ही नहीं था। कोमल को भी पसंद नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? सर दिमाग तो कह रहा है, पर दिल मानने को तैयार नहीं है। ओ मेरे दिल के पुजारी, अब मैं तुझे बताता हूँ। पिछले 2 महीने में ये 7वां केस है जो कि एक ही जैसा है। क्या? साहब जी, अब खुली आशिक की आँख। तो आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? उन्हें पकड़िए ना।
पकड़े लेकिन कोई सुराग छोड़े तो सही। अच्छा, अगर आपको सुराग ना मिले तो क्या वो ऐसे ही लोगों को लूटते रहेंगे? नहीं सागर, घबराओ नहीं। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। यू आर सो ब्यूटिफुल। जब भी मैं उस चांद को देखता हूँ ना, तो उसमें मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आता है। अच्छा, लो ड्रिंक तो लो। हाँ हाँ प्लीज। चीयर्स। सुल्तान, तुम यहाँ? एक ड्रिंक तो मेरे लिए मंगवा देती। 30 लाख रुपए की पार्टी चल रही भाई, एक ड्रिंक तो मेरा भी बनता है। हाँ सुल्तान, तुम्हें कहा ना मैंने कि हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। कब? ये सब सुनते सुनते मेरे कान पक चुके हैं। आज या तो मैं अपना पूरा पैसा लेकर जाऊंगा, क्या तुम सबको इस घर से धक्के मार कर निकालो, ये बात बता देता हूँ, समझी? अरे रुको भाई, एक मिनट, तुम हो कौन? तू कौन है बे? एक गानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? हाँ मैं नफीसा का होने वाला शोहर हूँ। शमीम, अब्बू ने इनसे 30 लाख रुपए उधार लिए थे जो बिजनेस में डूब गए। अब्बू तो नहीं रहे लेकिन ये हमें रोज पैसों के लिए धमकी देता रहता है। किस बात की धमकी? अपने पैसे वसूल करना ये गलत बात है क्या? हाँ तो ठीक है भाई जान, नफीसा के अब्बू के 30 लाख मैं आपको दूंगा। ओ शमीम, मैंने बोला ना नफीसा, मैं दूंगा। और वैसे भी इतनी भी क्या जल्दी है मामा जी? ओ सॉरी सॉरी डैडी जी। पुलिस? हाँ पुलिस। और तुम्हें क्या बुलाऊं, जूही, कोमल या और कितने नाम है तुम्हारे? आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? पीछे तो हम तुम्हारे बहुत समय से पड़े थे। तुम लोग कोई सुराग ही नहीं छोड़ रहे थे, फिर हमने एक प्लान बनाया। भला एक काम करो। जी साहब जी। 3-4 अलग अलग गेटअप में अपनी फोटोज निकलवाओ, अलग अलग नाम से अपनी आईडी सब मैट्रिमोनियल साइट पे बनवाओ, अखबारों में भी ऐड दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना। वो क्या साहब जी? ये आईडीज और एड्स कुछ ऐसी होनी चाहिए कि चोरनी खुद ब खुद चलकर सामने आए। जैसे चूहे दानी में पनीर का टुकड़ा रखने पर चूहा खुद ब खुद आता है, वैसे ये चोरनी भी खुद चलकर आनी चाहिए। लेकिन साहब जी, उस साइड से जरूरी तो नहीं वही लड़कियां हमें कांटेक्ट करेगी, और भी लड़कियां हमें कांटेक्ट करेगी, पर हम उसे पहचानेंगे कैसे? हमारे पास उसकी कोई फोटो भी नहीं है। उसकी पहचान ना होना ही उसकी पहचान होगी भला। मैं कुछ समझा नहीं साहब जी, कहना क्या चाहते हैं आप? देखो भला, जो जेन्युइन लोग होंगे ना, उनकी फोटोज भी होंगी और उनकी डिटेल्स भी होंगी, जिससे कि उनको ट्रेस किया जा सके। लेकिन जो चोर नहीं होगी, उसकी ना फोटो होगी और ना ही कोई एड्रेस, और जहां पे हमें वो रिक्वेस्ट आई, अपराधी हमारी गिरफ्त में होगा। जी साहब जी। फिर जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। नकली आईडी बनाकर दूल्हे का चारा डाला और तुम लोग इस जाल में फंस गए। हमें शक तो तुम लोगों पर पहले से था, लेकिन हम तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। और फिर ये कहानी में दूसरा कैरेक्टर भी समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ नफीसा थी, ना कोई मामा ना कोई डैडी। हमें क्या पता था कि इस बार इसके लिए सुल्तान का रोल लिखा गया है। तो ये सब आपकी चाल थी? जी मैडम, तुमने शादी का लड्डू दिखाकर बहुत लोगों को लूटा है ना, चल अब तुझे दिखाते हैं बिना शादी के ससुराल की हवा कैसी होती है। लेकर जाओ ने बल्ला। चलो चल चलो लेकर जाओ। अरे चल।